क्या भाई, ये कटरा का रेलवे स्टेशन है और हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे लाइट लगी रहती है और वो सामने ऊपर जो आप लाइन देख रहे हैं। नमस्कार गाइस, आई होप यू ऑल आर वेरी मच फाइन। और जो कि आज मेरा व्लॉग है वो है माँ वैष्णो देवी की यात्रा, तो मैं वहीं जाने वाला हूँ। तो अभी कर लिए ट्रिम फर्स्ट क्लास चकाचक। ये मेरी माता ने इतना सारा सामान लगा दिया ले जाने के लिए और ये इस छोटे से बैग में सब आएगा और सब कुछ अभी मैसी है, सब कुछ ठीक करते हैं। तो लेट्स डू इट। तो सारे कपड़े हो चुके हैं तय, अब इनको पैक करते हैं इस बैग के अंदर। सो फाइनली इट्स डन, पैकिंग इज ओवर। सो लेट्स गो टू मीट टुमारो मॉर्निंग। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो रेडी हो गया हूँ और रिक्शा में हूँ इस वक्त। एक्चुअल में जाने का प्लान था बाइक से, बट बाइक से कैंसिल करते हुए बाइक को पार्किंग में खड़ा करना इट्स झंझट, तो उससे अच्छा प्रेफर करते हैं हम रिक्शा, चलते हैं मेट्रो से, मेट्रो से डायरेक्ट ऑफिस में विजिट एंड देन ऑफिस से सीधा रेलवे स्टेशन। सो हियर गाइस, आई एम बैक। ऑफिस से बाहर आ गया हूँ, बज गए हैं 4:15 और अभी अभी भैया ने अपडेट दी है, जो टाइमिंग है वो है 5:15 का। तो ये अपडेट आया है कि ये ट्रेन की टाइमिंग है, तो इतने में पहुंचना है, 1 घंटा है अभी। तो 1 घंटे में कीर्ति नगर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इजीली पहुंचा जा सकता है, तो पहुंच जाऊंगा। और बहुत सारे ऑफिस के फ्रेंड्स ने, सर ने, मैडम ने अपने कुछ विशेस और साथ में चढ़ाने के लिए पैसे दिए हैं, तो वो भी ले लिए मैंने। आफ्टर 5 मिनट बाद मैंने फाइंड कर लिया है, मेरे पीछे आप देख सकते हो 11221, ठीक है, जो कि श्री शक्ति एक्सप्रेस, क्योंकि उल्टा दिख रहा था मैं देख नहीं पा रहा, तो श्री शक्ति एक्सप्रेस। और एक अभी आपको मेरा इंसिडेंट भी बताऊंगा, एक बैड जो थिंग मेरे साथ में हो गई है थोड़ी सी। तो मेरे पीछे से धीरे धीरे आती हुई ट्रेन जो कि बड़ी स्लो आ रही है, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म पे खड़ी करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मेरे साथ में एक बुरा इंसिडेंट ये हुआ है कि मेरे बैग की जिप फ्रंट वाली वो मॉर्निंग में ही ऑटोमेटिकली ख़राब हो गई, टूट गई थी। तो मेरे को अभी मेट्रो में आते हुए एक पर्सन ने बताया कि कुछ ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप इसका सामान निकाल के आगे डालो। तो सारा सामान निकाल के मैंने आगे डाला है, बट और भैया भी आए नहीं है। टाइम हुआ है 5 और यहाँ पर टाइम जो तक शो कर रहे हैं वो है 5:30 का। अभी आपको फ़ोन भी कर रहा था कहाँ रह गए हैं, और अभी कोच भी ढूंढना है कि मेरा कोच कौन सा है, तो वो भी फाइंड करता हूँ। तो हमारा कोच नंबर है B6 और अभी जो ये चल रहा है ये है B4, देखो ये लिखा हुआ रहा B4, तो B6 है, तो ऑब्वियस है 2 के बाद में वो आ जाएगा ये 5 और वो आगे से आगे 6, तो 6 के साथ में भी चलते हैं। तो ये रुक गई है और चलते हैं इनसाइड, फाइंड करते हैं B39 और 47। शीशा ब्रोक, बता देता हूँ भैया ने बहुत अच्छा किया है कि ये है 47 और वो वाली है 39, तो दोनों साथ में नीचे नीचे की इजी रहेगा, आराम से जा पाएंगे। तो जो मैं आपको दिखा रहा था कि बैग कहाँ ख़राब हुआ है वो दिखाता हूँ। तो ये इसकी चेन कहाँ गया, वो जबड़ों कहाँ गया, जो कि हुई ख़राब, तो मैंने इसमें सारा सामान निकाल के ऊपर डाल दिया। तो दिस इज माँ का प्यार जो कि केयर करता है। हम भी खा रहे हैं, भैया भी खा रहे हैं, लो भैया थैंक यू। ट्रेन हो गई स्टार्ट, कैन सी मूव इट। तो एक जगह लगाते हैं, जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। तो ट्रेन स्टार्ट, चल दिए, नज़ारा बाहर का देख सकते हैं।
तो टाइम हो चुका है 6:10 और बाहर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, तो बहुत अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है और थोड़ा पोल्यूशन भी दिख रहा है, वो कुछ जल रहा है तो पोल्यूशन धुआं हो रहा है और अच्छा नज़ारा आप भी देख के मजे लो। वो देखो वो पोल्यूशन का मुझे बोल रहा था कि धुआं हो रहा है, कितना धुआं उठ रहा है इसमें से। तो भैया कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे भैया? सारा पोल्यूशन दिल्ली जाएगा, तो सारा जल के यहाँ से दिल्ली जाएगा और फिर हम बोलते हैं अगले दिन की बहुत ज्यादा यार फॉगी फॉगी है, तो फॉगी नहीं है, ऐसा पोल्यूशन होता है जो यहाँ से जाता है और ये मेरे बाल खराब होते हैं। तो पानी कोल्ड ड्रिंक रबड़ी, तो हमने से भी पानी लिया है, रबड़ी नहीं लिया है। तो रोटी खाने के बाद में एक खीर लेंगे, एक स्टेशन पर अम्बाला पर एक खीर वाला की शॉप, तो अम्बाला पे एक बहुत फेमस खीर वाला उसकी शॉप है, आगे है अम्बाला पे। थोड़ा सा फॉग फॉग वाला हो रहा है, बढ़िया आयो। खीर शॉप देखो कैसे भीड़ लगी हुई है, लोग कैसे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे फुल ऑन भीड़ लगी रहती है। यही खीर मिलती है, पीठा वाला भी खीर क्या रहे भाई रागू खाते हैं यहाँ आके। हम अच्छा इस ट्रेन में काम करते हैं, इससे अच्छा खीर नहीं मिलती है, बेस्ट खीर। तो फीडबैक भी मिल गया है, थम्स अप। तो कोई भी माता के जा रहा हो तो रास्ते में अम्बाला पड़ रहा है और खीर जरूर खाए इसके लेके। दो इलायची दूध और दो खीर ली है। कैसा है? डिलीशियस। तो अंधेरा हो गया फुल, क्योंकि सब पीछे लाइट जल रही है, ऑलमोस्ट सब सो गए हैं और मेरा भी यहाँ पर इस तरह हो चुका है, तो अभी आपको दिख नहीं रहा है, तो मिलते हैं सुबेरे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम हो गया 2:20 और इसमें 2:25 और बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन है, यहाँ भी है खाली पड़ा है मेरे पीछे, दोनों तरफ खाली, और मैं सो रहा था अभी मैं उठाऊँ क्योंकि यहाँ पे रुकी है ट्रेन। चलते हैं वापस इनसाइड, अगेन 5 और ऊपर हो गए हैं, 2:30। दिस इज द प्लेस जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ऑलमोस्ट रीच। गाइस आई एम एट कटरा और जैसे ही हम आते हैं कटरा में तो ये एंटर होते हैं, अभी आपने मेरे पीछे देखा ये हम एंटर हुए हैं, एंटर होते ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है, तो यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ के, मेरे बैक साइड में सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ के राइट साइड पे, जिन्होंने अगर ऑनलाइन टोकन नहीं ले रखे हैं क्योंकि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है तो वो लेना पड़ता है, तो यहाँ ऊपर जाते ही राइट साइड पे उसका ऑफिस है और अभी तो शायद से खुला भी नहीं होगा, 6 खुलता है ना भैया, 5:00 तो हम लोग पहुँच गए 4:30। तो ये मेरे पीछे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, ये कटरा का रेलवे स्टेशन है और हमेशा आपको ऐसे मिलेगा, यहाँ पे लाइट लगी रहती है और वो सामने ऊपर जो आप लाइन देख रहे हैं ये न्यू वाला जो रास्ता बना हुआ है वो है माता के जाने के लिए, और इसके साथ में ओल्ड वाला है और न्यू वाला दोनों ही है, तो क्वाइट फन। और अभी मौसम तो अच्छा लग ही रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं गया है, बस अच्छा लग रहा है,
गुड है, मस्त एक नंबर। पर माता के वहाँ पहुँच के तो हालत ख़राब हो जाती है। लेट्स सी, देखते हैं हमारी हालत कहाँ तक रहती है। तो जय माता की, डायरेक्ट पहुँचते हैं रूम पे, फिर वहाँ बताता हूँ आपको अपडेट। तो गाइस, हम लोग, दिस इज आर रूम, और ये जो होटल है, क्या नाम भी है होटल का? दीवान राइडर्स। दीवान राइडर्स ये होटल का नाम है, और ये जो स्टेशन है उससे 5 मिनट की भी रास्ता नहीं है बाय वॉक। हम लोग इजीली 5 मिनट में बाय वॉक यहाँ पे आ गए हैं। सुविधा यहाँ से हमें ये मिल जाएगी कि 5 मिनट का रास्ता है ये स्टेशन से इसका, उसके बाद में ये लोग जो चढ़ाई के लिए रास्ता स्टार्ट होता है वहाँ तक ये अपनी कार से छोड़ देते हैं, तो इजीली आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे और ऊपर जा पाएंगे। इसी के साथ में आज का ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जिसको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, और ईश्वर शक्ति में विश्वास रखिए, ठीक है। और जो आपके मन में अच्छा वो कीजिए, कभी किसी को दुखी या दुख मत दीजिए। इसी साथ में खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।